अब बताओ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं यार, ये ठीक है बिल्कुल। यार ये एग्जॉस्ट देख रहा हूँ मैं रिबॉन के लिए। देखें यार ये कुछ ऐसा बनना है। 24,000 लगा बैठो मैं। भाई क्या करवा दिया आपने गाड़ी को? तुम आ जाओ बहन, जो बीच में आओ तुम। यो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या चल रहा है यार? ठीक ठाक हैं आप लोग? और यार आज इतनी गर्मी है ना पूछो भाई, यकीन करो बस हो गई है। आज भाई निकला भी जरा लेट है, 2 बजे निकला मैं घर से। मैंने बैंक जाना था, अपना डेबिट कार्ड पिक करना था, डेबिट कार्ड भाई ने ले लिया अपना, ये चीज अब भाई कार्ड मारा करेगा हर जगह। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ, क्या नाम है, सबसे पहले तो गत्ता मैंने पिक करना है वो पिछले दरवाजे का, तो वो पिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं मंटगुमरी रोड। और मेरी ना बात चल रही थी इमरान, वो बम्पर वाला जो है ना, उससे चल रही थी। उसने लैम्बो डोर किट लगानी थी मेरी रिबॉन पे, तो वो पैसे बड़े मांग रहा था। मैंने उसको एक ऑफर लगाई है, अगर वो उसके ऊपर मानता है तो अभी मैं उसके पास गाड़ी छोड़ दूंगा और हम इसको करवाएंगे लैम्बो। ठीक हो गया है, तो चलते हैं यार। यार बॉयज ये रहा बैक डोर का पैनल, फिटिंग भी बनवाते हैं, ये देख लें यार, फाइबर में बना हुआ है, जेन्युइन तो मिलता नहीं है। यार ये इमरान के पास आ गया, वो गया हुआ है, क्या नाम है, बिलालगंज। यहाँ देखें एक मार्केक्स खड़ी है, इसके ऊपर भी बम्पर इमरान ने लगाया है, माशाल्लाह अच्छी लग रही है यार ये। इमरान आ जाता है, क्या नाम है, वो कह रहा आधे घंटे तक आता है, तो उतनी देर तक ना हम लोग बाकी चीज़ें ले लेते हैं जो मैंने मंटगुमरी रोड से लेनी थी। एक ग्रिल लेनी है और छोटी मोटी चीज़ें, वो आप लोगों को साथ साथ दिखा देता हूँ। यार ये मुगल होटल्स वालों से मिलेगी मैश ग्रिल, हमें पूछ लेते हैं इनके पास है क्या। नहीं यार ये वाली पड़ी है इनके पास एलुमिनियम में, ये देखें सब बच्ची भी बनी हुई है। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ यही चाहिए, डन कर। बस अभी चौधरी ऑटोज पे आया हूँ, यहाँ से साउंड डैम्पिंग शीट ले रहा हूँ, ये हमारे बोनेट के नीचे लगनी है, बाकी मैश ग्रिल मैंने ले ली भी है। ये वाला इमरान आ गया लेकिन बम्पर वाला इमरान नहीं आया अभी तक। आए भाई अपनी गाड़ी दिखाने लगा मुझे, मेरे से पहले अपलोड ना करी, मुझे बड़ा मन नहीं करता, नहीं करता यार। ये देखें इसने फुटरेस्ट के जो ऊपर पैनल होते हैं क्रोम के, टिक्की सारी भरी हुई है इसके सामान, अच्छा सारा सामान इसका क्रोम का नया ले आया हूं। नीचे इसने जी रेड कारपेटिंग करवाई है और आप देख सकते हैं इंटीरियर में भी इसने MG वाला रेड दिया है। और बीच में आ गई हमारी 12 इंच की, नहीं 10 इंच की है, 10 इंच वाली है, 10 इंच का डिस्प्ले आ गया, कंसोल भी होगा शाम, अभी सीटें बन रही है। ओए 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 सीटें बन रही है भाई, फुल यस किस्म की है, क्या बात है यार माशाल्लाह। हाँ ये मैंने बेड ले ली, हमजा भाई के पास आया हूँ स्टांस मोटर्स पे, और ये देखें पास पड़ी हैं टकाटा सीट बेल्ट्स, ये देखें कुछ गंदी हुई है, कोई नहीं मिट्टी पड़ी हुई है, टकाटा फॉर लाइफ। टकाटा फॉर लाइफ, यस बॉय। ये जाके ना इसको किसी तरह लगाते हैं, अभी एक ही हमें मिला पेयर, और पेयर चाहिए उसका हम इंतजार करेंगे, वो हमजा भाई कह रहे हैं जब आएंगे ना तो मैं आपको दे दूंगा, तो अभी हम ये ले लेते हैं। ब्रांड न्यू, क्या बात है यार। आपके भाई ने एग्जॉस्ट भी ले लिया, प्राइसिंग में आपको गाड़ी में बैठ के देता हूँ। मैश ग्रिल भी आ गई, अपनी शक्ल दिखाई इसमें, हाय 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 क्या बात, नहीं अब सही लग रहा है तू, तेरे निकाह पे ना दरमियान में ये रखना हमने। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। गाड़ी को मैंने कैरी डब्बा बनाया हुआ है, चीजें ही चीजें गाड़ी में, आगे पीछे बहुत चीजें हैं भाई, वो डोले भी हैं, बॉडी गार्ड है मेरा साला। आपके भाई ने ये भी ले लिया था, मैंने कहा आग वगैरह खुदा ना खास्ता कभी लग जाए तो हमारे पास हो, ये हमें मिले 1000 रुपए के, दोनों बड़े सस्ते मिल गए हैं। और एग्जॉस्ट हमें मिला है यार, वैसे मार्केट रेट जो था 7000 था, लेकिन मुझे 5500 का मिला है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। और टिकाटा की जो सीट बेल्ट है वो मार्केट में 7500 की मिल रही थी, लेकिन हमजा ने हमें यार दी है 6000 की, क्योंकि उसके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था। उसके अलावा साउंड डैम्पिंग शीट हमें मिली है 2200 रुपये की, और मैश ग्रिल जो हमने ली है, एक हमने ली है प्लास्टिक में और एक एल्युमिनियम में, दोनों जो है ये मुझे 2400 की मिली हैं। तो अब यार चलते हैं। और हाँ जो पिछला पैनल है यार, वो उसका जी वैगन का, वो हमें मिला है 5000 में, लेकिन भाई ने सिर्फ 3500 दी है। तो अब मैं जा रहा हूँ यार वर्कशॉप जा रहा हूँ, वहाँ जाके फिर आप लोगों को बाकी काम दिखाता हूँ जो हो रहा होगा। और यार वो लैम्बो डोर्स का तो बताना मैं भूल गया, दरअसल 3 महीने पहले मुझे ना इमरान ने कहा था कि यार मैं आपको ना 20-22 हज़ार में लगा दूंगा,
कह रहा है कि यार मुझे 40 से 45 हजार रुपया दें फिर आपको लगा के दूंगा। मैंने से कहा यार इतना फर्क नहीं होता, 30 ले लो, चलो 30 में लैम्बो डोर्स कर दो मुझे। लेकिन नहीं भाई वो नहीं माना, अभी भी कह रहा था चलें 40 दे दें आप, 40 दे दें और लगवा लें। मैंने कहा नहीं यार फारिक रहो, जब इंशाल्लाह जी वैगन तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे तब मैं 40 दे दूंगा, कोई नहीं। लेकिन अभी मैंने 40 नहीं देना था, अभी सिर्फ 30 देना। अच्छा मेरी जान के टोटो, ये जो सीट बेल्ट हमने ली है ना वो सिर्फ एक सीट की है और हमें 6000 की मिली, अभी 3 सीटों की हमने और लेनी है, वो थी नहीं उसके पास, तो वो इंशाल्लाह वो मंगवा देगा। और नया रेट जो हमें मिलेंगी नेक्स्ट सीट बेल्ट्स वो मिलेंगी 7000 रुपये की, एक 21000 रुपये और लगना है मेरी सिर्फ सीट बेल्ट्स के ऊपर। अच्छी यार भाई आपका आगे एग्जॉस्ट लगवाने, मैंने कहा यार पहले एग्जॉस्ट लगवा लें, तो एग्जॉस्ट निकाल लेते हैं अंदर से। अरे ये पड़ा, आ जा मेरा पुत्र, ये चीज पहले एग्जॉस्ट लगवाते हैं फिर जाएंगे हम लोग वर्कशॉप। यार ये एग्जॉस्ट लग रहा है, चेक करें, ये देख रहे हैं ऐसे करके आना है, एच के एस ऊपर आना चाहिए, और हाँ बाहर निकाल इसको और ये बस नहीं थोड़ा सा अंदर, ये बस इधर डन कर, 1 2 3 4 नाइस। ये देखें यार यहाँ कांटे से खुलवा रहा हूँ, ये 1.5 इंच का है ना पाइप और वो 2.5 इंच का है, तो अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से 2.5 इंच लेके आएगा, ढाई इंच वाला ना, हाँ। तो यार जहाँ से हमारा एग्जॉस्ट लग रहा है वहीं ना, ये भाई से मैं ये करवा रहा हूँ, इसी बोनट का है ओपनर, और ये टूटा हुआ है यहाँ से, तो ये भी जुड़वा लेते हैं, ये पुराना आउट न्यू लगने लगा है वो हमारा। यार कंसोल भी पड़ा हुआ है, इसकी भी हमने पीछे फिटिंग बनानी है गाड़ी में, पीछे रिकारो सीट्स के बीच में आएगा ये, और इसका मैं इंशाल्लाह कारपेंटर से फ्रेम बनवाऊंगा उसके ऊपर ये लगाएंगे, ये देख लें आप लोग। तो बस ये तो जुड़ गया हमारा, एग्जॉस्ट भी बस लगने वाला है, फिर आपको साउंड चेक करवाते हैं। यार वो देख लें फिटिंग बन रही है, वो दरअसल 2.5 इंच का है और हमारा जो पाइप है वो है 1.5 इंच का, तो वहाँ आप किसी न किसी तरह ये एडजस्ट करें। ये देख लें यार सारी फिटिंग बना दी है, बस इसको फिट करना है। नाइस एग्जॉस्ट लग गया यार हमारा, चल यार कमाल हो गया यार, आज ना ना करते हुए भी ना मैं 24,000 लगा बैठो, मेरे पास 30,000 था और अब मैं देख रहा था 6,000 बचा हुआ है, लाइक व्हाट द फक, 2,000 रुपया लिए यार इन लोगों ने फिटिंग का, 500 भाई टिप दिया है क्योंकि यार वो लड़का हमेशा बड़ा अच्छा काम करता है। तो यार बस अब भाई पहुंचने लगा इधर, क्या नाम है वर्कशॉप, हाँ तुम आ जाओ भैन जो बीच में आओ तुम साले। भाई आ गया आप लोगों का वर्कशॉप, बकरे हमारे इधर ही यार, यार क्या हो रहा है इधर, मुझे तो नहीं समझ लग रही, ये भी किया हुआ है क्या नाम है राणा भाई ने, ये पता नहीं अब नया बनाया है या उसी को कटिंग की है, वो आते हैं तो उनसे पूछते हैं। तो पहले आप लोगों को याद होगा इतना कोई बड़ा था पीस, हाँ इन्होंने बनाया ये सारा उसके हिसाब से, तो ये भी पूछते हैं अभी राणा भाई वो रहे। भाई क्या हाल है, मैं देख रहा हूँ पीछे है यार, मैं आपका सारा सामान लेके आया हूँ, सब कुछ पूरा हर चीज ले आया हूँ, देखें सीटें चेक कर ली, मैं सीटें देख रहा हूँ, मुझे क्यों फर्क लग रहा है इसमें उसमें, ये थोड़ी सी पीछे है वो थोड़ी सी आगे है, अच्छा अच्छा इसलिए, क्या बात है यार, आज मैं आया हूँ शाम तो हो गई है लेकिन राणा भाई ने हर चीज करके रखी हुई है, पैनल वगैरह वो जो थे फ्रेम हमने बनाए थे वो भी कंप्लीट हैं, सीटें भी लग गई हुई है, पीछे करें सीट को यार, देखिए नीचे सीटों की फिटिंग भी बनाई हुई है भाई, कमाल हो गया। अच्छा यहाँ इतनी रिक्लाइन हो रही है, सही है, टच भी नहीं हो रही, हल्की सी हुई है। आओ भाई बैठ के चेक करें, सही है, क्या लेने आए हो, नाइस यार ये ठीक है बिल्कुल, वो किसको बोल रहे हैं, आगे करते यार कमाल, यार कमाल बन गई ये फिटिंग, और क्या चाहिए आप, पीछे करते हैं, ये ले नाइस बॉयज। अच्छा आप लोग कह रहे थे कि यार ये अच्छी नहीं लगेगी, अब आप लोग देखो सीटें लगी हुई हैं, चलो अब देखो और अब बताओ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं
दरमियान में हमारा कंसोल आ जाएगा। था आपने साइड का पैनल भी खोला भाई शीशे वाला? देखें आपने फिटिंग चेक नहीं की? मैं वही देख रहा हूँ, माशाल्लाह फिट हो गया। अब इसके ऊपर जब रखेंगे सही आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है। देखें यार ये कुछ ऐसा बनना है, क्योंकि आप लोगों को पता है यार ये हमें बनाना ही पड़ा है, क्योंकि अगर हम डोर पे लगाते हैं ना तो वो बहुत नीचे हो जाता है, ऐसा ही है। अब ये इसके ऊपर ये देखें बिल्कुल उसके बराबर रख के कटिंग की है। पुराना वाला मैं आप लोगों को दिखा दूं, जो अली ने बनाया था वो ये बना हुआ था। तो बस तक सुन यार, ये क्या गंद मारा हुआ है, ये लाख दर्जे बेहतर है। जब ये पेंट हो जाएगा ना पता भी नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ रिपटे नहीं लग सकती? नहीं, एल की बोल्ड मिलते हैं वो लगा देंगे। हाँ बिल्कुल यार, ये सामान वगैरह सारा निकाल लिया है, ये भी हम ले हैं पैनल, ये अब लगा के देखते हैं, इसकी फिटिंग चेक करनी है हमने। नहीं बस पैनल लगा के देख लिया है, पूरा आ गया है। अब इसकी हम फिटिंग बना के उसके बाद पोशिश वाले को दे देते हैं, वो अपनी पोशिश वगैरह करे। यार ये देख लें लेफ्ट साइड का जो है फ्रेम बना रहे हैं, बल्कि बन गया है। वाह भाई, मैं दरअसल बातें कर रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा। बहुत ही ये उसने बड़ा गंदा काम किया था ना। चले कोई बात नहीं, वैसे अंदर आ जाए। हाँ पूरे पूरे सुराख डालने थे इसमें। हाँ ये देखे ना, ये भी बड़ा गंदा सीन है, वो दूसरा वो पड़ा हुआ है हमारा। ले यार इस तरफ का भी हो गया हमारा, फिट भी हो गया, सही है फिट। ये अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा निकला टांके ना लगा दें, टांके लगा के रगड़ाई कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, सही है माशाल्लाह फिट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इसकी फिटिंग बना रहे हैं, सही है। ये यहाँ आ जाएंगे ना, चार तो पेच इधर आ गए, ये पहले ही थे ना सुराख। हाँ चार इसके इधर आ गए, बाकी कैसे आएंगे, बाकी बनानी पड़ेगी फिटिंग। ठीक है इसकी फिटिंग बना रहे हैं यार, आज फिर रात के 8 बज गए काम करते हुए। मैं तो यार लेट आया था, मैं तो आया हूँ कोई 6 बजे आया हूँ। देखिए ऊपर तो पेच मारे आ गए, ये साइड से इसकी फिटिंग नहीं बनी हुई, ये अंदर से ना पतरी लगा के बाहर पेच लगा देंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा ऐसे। नहीं बहुत यार हमारी फिटिंग वगैरह बन गई है सारी, पीछे जो पैनल की है, अब बाकी काम इंशाल्लाह सुबह करेंगे। अभी टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या टाइम हुआ, 9:38। ये देखिए भाई 10-10 बजे जाता है घर। Well guys, यार आज के लिए इतना ही था, और बहुत तेज हो रहा है भाई ने एग्जॉस्ट भी लगवा दिया, एग्जॉस्ट का साउंड बहुत सेक्सी है यार, इतना लाउड भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, आई मीन के सही है, क्योंकि मैं डीएचए में रहता हूँ और डीएचए में ज्यादा आप लाउड इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, नेबर तंग भी नहीं होंगे। अभी आपको आवाज सुनाऊ, ये इतना साउंड है, तो बड़ा यार मैक्सी सीन हो गया है। और जी वैगन का आप लोगों ने काम देख लिया यार, रोज व्लॉग डालने का मकसद ये है कि आप लोग मेरे साथ रहो और देखो कि भाई कैसे मेहनत करते हैं यार। तो अब कल फ्राइडे है, कल आखिरी दिन है, कल बस हमने काम करना है, उसके बाद पूरे हफ्ते की छुट्टी है, ईद है, ईद के बाद बाकी काम करेंगे। और ईद पे मतलब ये है कि मैं एक दो व्लॉग्स बना के डाल दूंगा। और हाँ आप लोगों को यार मैंने अपना फार्म हाउस का टूर भी देना है, वो भी मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था कि यार जासिफ भाई टूर की एक वो ना वीडियो बना के कोई ना कोई डाल दें, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। और यार अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।